इस वीडियो में हम सीखेंगे लेबर डिपार्टमेंट का श्रमिक कार्ड ई मित्र से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे मजदूर वर्ग लोग हैं, तो वो ई मित्र से श्रमिक कार्ड बनाते हैं। तो ई मित्र से पहले हमारे को श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, फिर विभाग से अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद से ई मित्र से पेमेंट करके श्रमिक कार्ड को डाउनलोड किया जाता है। तो इस वीडियो में अपन पूरी प्रोसेस को जानेंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे इस जसोल ई मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। पूरा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइव प्रोसेस करके दिखा देते हैं कि ई मित्र से श्रमिक कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे पेमेंट किया जाता है। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। इस वीडियो में हम सीखेंगे राजस्थान के लेबर डिपार्टमेंट का श्रमिक कार्ड अपन ई मित्र से अप्रूवल होने के बाद में अंशदान कैसे जमा करेंगे और कैसे श्रमिक कार्ड अपन डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ई मित्र आईडी को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हमने ई मित्र आईडी को लॉगिन कर लिया है। ई मित्र आईडी को लॉगिन करने के बाद में यूटिलिटी ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे LABOUR, यहाँ पर लेबर सर्च करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टैब है, ये ओपन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण हेतु लाभार्थी पंजीकरण के लिए श्रम भुगतान। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो ये लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टल है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओपन होने के बाद में हमारा ये राजस्थान का लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल है, हमारे ई मित्र आईडी से ओपन हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने जितने भी श्रमिक कार्ड अप्लाई किए हुए हैं वो यहाँ पर शो कर देंगे और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका श्रमिक कार्ड है वो अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर सर्विस टाइप में रजिस्ट्रेशन बता रहा है और यहाँ पर बता रहा है पेंडिंग एट सिटीजन फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर ये श्रमिक कार्ड है, ये अप्रूवल हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने इस श्रमिक कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको अप्लाई करना सीखना है कि लेबर डिपार्टमेंट का श्रमिक कार्ड है वो कैसे ई मित्र से अप्लाई किया जाता है, तो वो वीडियो देख करके आप श्रमिक कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। श्रमिक कार्ड अप्लाई करने के बाद में, अप्रूवल होने के बाद में हमारे को यहाँ से पेमेंट करना होता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिलअप किया था, वो पूरा फॉर्म यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके ई मित्र से अप्लाई की हुई डेट आएगी और यहाँ पर पेमेंट रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, जितना आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर पेमेंट मोड आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेमेंट है, ये ई मित्र आईडी से पेमेंट कटेगा और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर ये पेमेंट जमा हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर पेमेंट होगा तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रिसिप्ट नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, सभी पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ से लिख करके फीडबैक दे सकते हैं, या फिर इस रसीद को प्रिंट करना चाहते हैं तो रसीद को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस रसीद को प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर रसीद को प्रिंट कर लिया है। रसीद को प्रिंट करने के बाद में हमारे को यहाँ पर श्रमिक कार्ड है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं होम पर। तो हमने यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में वापस यहाँ पर होम पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा जो बेनिफिशरी जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जो यहाँ पर पेंडिंग था, वो यहाँ पर हट गया है। अब हमारे को पहचान कार्ड है वो उसको डाउनलोड करना है। पहचान कार्ड मतलब श्रमिक कार्ड हमारे को डाउनलोड करना है। तो हम वापस यहाँ पर बैक टू ई मित्र पे क्लिक करते हैं और वापस यहाँ पर लेबर सर्च करेंगे।
उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लेबर इश्यू आइडेंटिटी कार्ड यानी श्रम पहचान पत्र जारी करने की सेवा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये पोर्टल वापिस से श्रमिक कार्ड लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर नंबर डालेंगे जो हमारे को यहाँ पर श्रमिक कार्ड डाउनलोड करना है उनका, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगी, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम आएगा या उनके पिता का या हस्बैंड का नाम आ जाएगा, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको यहाँ पर चेक द बॉक्स यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरेट आईडी कार्ड पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड इश्यू यहाँ पर नो है, तो हम यहाँ पर जनरेट आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर जनरेट आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो कार्ड है इस प्रकार से हमारे सामने आ जाता है और ये कार्ड है जारी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट का श्रमिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ई मित्र से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली अपन A4 में भी प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप 4/6 में भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे प्रिंट करना है, इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए कि 4/6 के अंदर हमारे को आईडी कार्ड जितना ये श्रमिक कार्ड कैसे प्रिंट करना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको ये भी बता सकूँ कि आप आईडी कार्ड जितना ये लेबर कार्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर PDF में सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना श्रमिक कार्ड है ई मित्र से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अंशदान की वैधता कब तक है, तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट बताएगी उस डेट तक ये आपका श्रमिक कार्ड वैलिड रहेगा। उसके बाद में वापस आपको श्रमिक कार्ड को रिन्यूअल करवाना होगा। तो रिन्यूअल कैसे करवाते हैं इसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और श्रमिक कार्ड को रिन्यूअल करना सीख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपके मन में श्रमिक कार्ड के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।